हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीव एनालिसिस की, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी सॉइल में किस रेंज से किस रेंज के बीच में कण हैं, उनको पता करने के लिए हम लोग सीव एनालिसिस करते हैं और सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सीव एनालिसिस, ठीक। और सीव एनालिसिस भी दो तरीके से किया जाता है, इसकी मतलब दो पार्ट हैं। एक है कोर्स ग्रेन कणों के लिए, मोटे कणों वाली सॉइल के लिए, और दूसरा है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, ठीक है, महीन महीन या सूक्ष्म कणों वाली सॉइल के लिए। तो इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, ठीक है, मोटे कणों वाली मृदा के लिए, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जो सीव है, सीव मतलब आप जानते हैं चालनी, ठीक है, जिससे हम लोग आटा चालते हैं, वैसे ही उसी तरीके की एक चालनी होती है, वो सॉइल के लिए होती है, ठीक है ना, अलग तरह के। तो हम पहले सीव के बारे में बात कर लें, फिर इसके बाद से एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सीव एनालिसिस में सबसे पहले हमको चाहिए क्या, तो हम सीव एनालिसिस करने जा रहे हैं तो हमको पहले सबसे पहले तो सीवी चाहिए, ठीक है ना, चालनी चाहिए। तो सीव एनालिसिस में सीव एनालिसिस जो है सीव की सहायता से करते हैं, ठीक है ना, हमको सबसे पहले सीव चाहिए। फिर इसके बाद जो सीव है तो सीव की संस्तुति IS 460 के अंतर्गत जो है की गई है। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 460, उसमें सीव के बारे में पूरे डिटेल से जो है बताया गया है। फिर सीव एनालिसिस की संस्तुति जो है IS 2720 के अंतर्गत की गई, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड 460 में जो है केवल सीव के बारे में बताया गया है, और इंडियन स्टैंडर्ड 2720 में जो है सीव एनालिसिस के बारे में बताया गया है कि हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे उसकी, ठीक है, सॉइल की। और इसके बाद से जो मिनिमम जो है 45 माइक्रोन की जो है सीव उपलब्ध है, ठीक है ना। तो जो सीव है तो सीव को जो है उसके साइज के आधार पे क्लासिफाई किया गया है, और सॉइल भी, जो सॉइल के कण हैं उनका साइज भी अलग अलग होगा, है ना। तो जो मिनिमम सीव है, जो सीव बनी है उसकी जो मिनिमम साइज है वो कितनी है, 45 माइक्रोन है, ठीक है ना। और आप जानते हो कि 1 माइक्रोन बराबर 10^-6 मीटर होता है। तो आप सोच सकते हो कि 40 माइक्रोन इज इक्वल टू 40 × 10^-6, तो इतने जो है मीटर की वो सीव होगी, मतलब उसका जो ऐसा एक खांचा होगा और उसमें से जो पार्टिकल निकलेगा उसका साइज इतना होगा, ये मिनिमम है, इससे छोटा सीव जो है अब नहीं है, ठीक है। सीव सामान्यतः वायर मेश से बनती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट याद रखेंगे कि सीव किससे बनती है, तो वायर, ये WIRE है, ठीक है, वायर मेश से बनती है, वायर मेश से, ठीक। सीव को ओपनिंग के आधार पे अभिव्यक्त करते हैं। तो जो सीव होती है, जो सीव है, जो तो उसको ओपनिंग के आधार पे, ठीक है ना, जैसे हम लोग जो आटा चालते हैं तो हमारी चालनी ऐसे होती है ना, और ऐसे ऐसे बना होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये जो खांचा बना, ये बाउंड्री हो गई और ये सीव हो गया, और इसी में से आटा जो है निकलता है, ठीक है ना, इसी में से। तो ये जो एक साइज है इसका, इसके आधार पे जो है इंडियन स्टैंडर्ड ने जो है आईएस में सॉइल सीव को जो है क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, इस एक खांचे का साइज कितना है इसी के आधार पे। तो इसी चीज को लिखा गया है कि सीव को ओपनिंग के साइज के आधार पे व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पे जो मिनिमम साइज है सीव की, अगर ये 40 माइक्रोन है तो इसका मतलब कि ये जो साइज है इसका जो है
40 माइक्रोन जो है मिनिमम साइज है, ठीक है। तो इसका मिनिमम साइज कितना है, 45 माइक्रोन है, ठीक। अच्छा चलिए अब और देखते हैं आगे। अब क्या है, आईएस कोड के अनुसार सीव को ओपनिंग की साइज के आधार पर व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि इस एक ओपनिंग की साइज कितनी है, इसी के आधार पे इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने जो है क्लासिफाई किया गया है सीव की। तो अगर 45 माइक्रोन की सीव है तो इसका साइज कितना है, 45 माइक्रोन। अगर 4.75 mm की सीव है तो उसका एक खांचा जो है वो 4.75 mm का है। अगर 10 mm की सीव है, मतलब उस सीव का जो साइज है वो 10, उस पे सीव नंबर 10 लिखा है, तो उसका मतलब है कि उसका एक खांचा जो है 10 mm का है, ठीक है। अगर 20 नंबर की सीव है तो उसका मतलब है कि एक खांचा जो है 20 mm का है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। अब देखो, ASTM के आधार पर सीव को प्रति इंच स्क्वायर में ओपनिंग की संख्या के आधार पर व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही जान ले कि ASTM क्या है, ठीक है। तो ASTM का फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स, ठीक है। तो ये एक अमेरिका की कोई संस्था है, ठीक है ना। तो वो मटेरियल की टेस्टिंग और उसके लिए है। तो उसने जो है जो सीव को क्लासिफाई किया गया है अपने यहाँ, तो वो उन्होंने क्लासिफाई किया गया है, उन्होंने क्या क्लासिफाई किया है कि एक इंच स्क्वायर में, जैसे यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक है। एक इंच स्क्वायर, देखो इधर क्या है, इसकी साइज है एक इंच, ठीक है, और इधर भी क्या है, एक इंच। अब इसका एरिया निकालोगे तो जानते हो एक गुणा एक बराबर एक इंच स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। वन इंच स्क्वायर ऐसे ही तो लिखते हैं, 1 mm स्क्वायर, 2 mm स्क्वायर, तो ये 1 inch स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस 1 inch स्क्वायर में कितनी ओपनिंग है उसी को उन्होंने उस सीव का नाम दे दिया गया है। जैसे देखो यहाँ पे कितनी साइज बच रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो एक इंच स्क्वायर में यहाँ पे 12 ओपनिंग है, तो इस सीव का क्या नाम रख देंगे, 12, ठीक है ना, सीव नंबर 12। यहाँ पे लिख देगा वो SIEVE, सीव नंबर 12। तो सीव नंबर 12 का मतलब हो गया कि ये जो सीव बनी है उसके एक इंच स्क्वायर में 12 खांचे हैं, ठीक है ना। और हमारे यहाँ अगर IS 80 में लिखा हुआ है तो इस एक खांचे की जो साइज है वो कितनी है, 80 mm, ठीक है। तो ये फर्क जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जितने सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, और ये सारे के सारे जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब आप समझ ही रहे हो कि क्या करना है आपको, ठीक है ना। तो ये सारा जो है इम्पोर्टेंट है। अब चलो आओ देखते हैं हम लोग कोर सीव एनालिसिस, ठीक है। सीव एनालिसिस जो है मैंने आपको शुरू में बताया, तो अभी हम पढ़ेंगे कोर सीव एनालिसिस, और जब ये पढ़ लेंगे तो फाइन सीव एनालिसिस जो है आप खुद कर लेंगे, ठीक है। कोर्स मतलब होता है मोटा, समझ रहे हो, मोटी कड़ वाली सॉइल। तो उसके लिए सीव एनालिसिस कैसे करते हैं, तो सीव एनालिसिस करने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉइल सैंपल चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सॉइल सैंपल कितना लेंगे, तो हम 1000 ग्राम जो है, 1000 ग्राम या उसी को कहो 1 kg, ठीक है ना। तो 1 kg ओवन ड्राई सॉइल सैंपल लेंगे, ठीक है। ओवन ड्राई कहने का मतलब कि उसे हमने ओवन में पूरी तरीके से सुखा दिया गया है, उसमें वाटर कंटेंट की मात्रा कितनी है, 0, ठीक है। तो 1000 ग्राम जो है ओवन ड्राई सॉइल सैंपल ले लेंगे, ठीक है। अब सैंपल लेने के बाद से इसे मैं मिटा देता हूं, फिर इसके बाद से बताते हैं। तो 1000 ग्राम हमने सॉइल सैंपल ले लिया, और ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए है, ठीक है ना। तो जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है आपको पता है कि उसकी साइज जो है 4.75 mm से बड़ी होती है, ठीक है ना।
और अगर 4.75 mm से सॉइल के कणों की साइज जो है ऊपर है तो वो कोर्स ग्रेन सॉइल हो जाएगी, और इससे नीचे है तो वो फाइन ग्रेन सॉइल हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखो यहां पे एक दो तीन चार पांच, दो तीन चार और एक पांच, ठीक। तो हमने जो है 1000 ग्राम सॉइल सैंपल ले लिया, ठीक है। अब कोर्स ग्रेन सीव एनालिसिस के लिए जो है हम लोग इतने साइज का जो है सीव यूज करते हैं, ठीक है। 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm और 4.75 mm, ये जो है हमारी सीव है, ठीक है। और इन सीव को जो है ऐसे अरेंजमेंट में लगाते हैं, जो सबसे बड़ी वाली सीव है वो ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर ये वाली, और फिर ये वाली, और लास्ट में ये वाली सीव रहेगी 4.75 mm, ठीक है ना। तो ऐसे अरेंजमेंट रहता है। अब क्या करते हैं कि वो जो सैंपल है, ओवन ड्राई सैंपल है, इसे सबसे ऊपर वाली सीव में जो है डालते हैं, ठीक है ना, और इसके बाद से सीविंग करते हैं, ठीक। तो देखो ऊपर वाले साइज जो है, ऊपर वाले सीव की साइज जो है 80 mm है ना। अब हम जब सीविंग करेंगे तो 80 mm से जो छोटे कण होंगे, जितनी सॉइल होगी वो नीचे आएगी, फिर 20 mm से जो कम होगी वो नीचे आएगी, फिर इससे कम होगी वो नीचे आएगी, और फिर ऐसे आके यहां तक आ जाएगी, समझ रहे हो। तो देखो हमने यहाँ पे पूरा सैंपल डाला और इसके बाद से सीविंग किया, तो ऊपर जो है इतना सॉइल सैंपल बचा, फिर इस पे भी कुछ बचेगा, फिर इस पे भी, फिर इस पे भी, और फिर इस पे भी, समझ रहे हो कि नहीं। तो जो सॉइल के 80 mm से बड़े कण होंगे तो वो जो है, देखो 80 mm कहने का मतलब तो समझ गए ना, जो एक खांचा है सीव का वो 80 mm है, ठीक है। तो जो सॉइल में, सॉइल सैंपल में 80 mm से जो बड़े कण होंगे इस पे रुक जाएंगे, तो ये जो है सैंपल रुका हुआ है, ठीक है। फिर ये नीचे जो है 40 mm का है, तो 40 mm से जो बड़े कण होंगे वो यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है ना, और 40 mm से छोटे कण यहाँ पे आ जाएंगे नीचे। लेकिन 20 mm का ये है, तो 20 mm से बड़े कण यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर 20 mm से नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे 10 mm पे आएंगे, तो 10 mm से बड़े कण यहाँ रुक जाएंगे, और फिर इसके बाद से 4.75 mm पे आके सारे के सारे रुक जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है तो उसमें जो मिनिमम साइज होती है कणों की वो कितनी होती है, 4.75 mm। तो इससे जो बड़े कण है वो यहीं पे रुक जाएंगे, इससे छोटे कण जो है नहीं होंगे, है ना। तो ये चीज यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखो तो हमने सीविंग कर लिया, ठीक है ना। तो ये जो है साइज थी इसकी, अब हमने सीविंग कर लिया और इस पे जो है ये बचा हुआ है सॉइल, ठीक है ना। तो देखो 80 mm पे जो है 200 ग्राम हमने माना कि सॉइल सैंपल बचा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है वैल्यू ना, ये मैंने अपने आप से लिखा हुआ है। अगर आप वास्तव में एक्चुअल में सीविंग करेंगे तो यहाँ पे जो रिटेंट बचेगा, जो शेष सॉइल बचेगी, वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है, वही यहाँ पे लिखना है। तो 80 mm पे जो है जो सॉइल सैंपल बचा हुआ है वो 200 ग्राम है, ठीक है, रिटेंड वेट, ठीक है ना, रिटेंड वेट, और ये ग्राम में है। तो 80 mm से बड़े जो कण है वो 200 ग्राम है, फिर 40 mm से जो बड़े कण है वो 250 ग्राम है, फिर 20 mm से जो बड़े कण है वो 100 ग्राम है, और इसी तरीके से 10 mm से बड़े कण जो है 300 ग्राम, और 4.75 mm से जो बड़े कण है वो 150 ग्राम है, ठीक है। तो यहां तक जो है समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या कहते हैं कि ये जो शेष जो है बचे हुए सॉइल है, सॉइल सैंपल जो अलग अलग सीप पे बचा हुआ है, अब इसको जो है इस टोटल वेट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं कि ये कितना परसेंटेज है, ठीक है ना। हमने जो सॉइल सैंपल लिया था 1000 ग्राम, उसके रिस्पेक्ट में ये कितना परसेंटेज है, तो उसी को हम कहते हैं रिटेन्ड परसेंटेज, ठीक है, रिटेन्ड परसेंटेज। तो इसका जो है कितना हो जाएगा, 200/1000 × 100 करेंगे तो ये टोटल जो है परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, तो ये
20% है, यानी कि 80 mm जो सीव की 80 mm साइज की जो सीव है उस पे जो है हमने जितना सॉइल सैंपल लिया था उसका 20% जो है उस पे बचा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि 80 mm से जो बड़े कण हैं वो टोटल सॉइल सैंपल की तुलना में 80% क्या है, बड़े हैं, समझ रहे हैं। फिर इसी तरीके से 40 mm पे जो रिटेन वेट है, बचा हुआ सॉइल है, वो ऊपर है, वो 250 ग्राम है, और ये टोटल वेट के रिस्पेक्ट में कितना है, 25% है ना। तो यानी कि 40 mm साइज की जो सीव है तो उससे जो बड़े कण हैं उनका परसेंटेज कितना है, वो 25% है, ठीक है ना। इसी तरीके से सबका निकाल लेंगे, 10 का निकाल लेंगे, सॉरी 100 को कर लेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट, 100/1000 × 100 और बराबर आ जाएगा 10%, ठीक है। तो ये जो है हमने रिटेन्ड परसेंटेज जो है ज्ञात कर लिया कि टोटल वेट के रिस्पेक्ट में ये कितना जो है बचा हुआ है ना। अब देखो, अब यहाँ पे हम जो है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ज्ञात करेंगे, क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव परसेंटेज। तो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संचित होना, ठीक है ना, संचयी, जैसे कि एक्यूमुलेशन या क्यूमुलेशन का मतलब है कि संचित होना। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं बस जोड़ना है। तो यहां से 80 mm से बड़े कणों का कितना प्रतिशत है, तो 80 mm से बड़े कणों का प्रतिशत है कितना, 20%, ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब देखो 40 mm से जितने भी सारे बड़े कण हैं उनका टोटल जो है वो कितने प्रतिशत है, तो 40 mm से अगर बड़े कण हम कहेंगे तो ये जितने कण हैं उनका परसेंटेज और इनका परसेंटेज दोनों को हम न लेंगे, ये भी 40 mm से बड़े हैं और ये भी 40 mm से बड़े हैं, तो यहाँ पे 20 + 25 = 45%, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज। अब 20 mm से जितने भी सारे बड़े कण हैं वो कितने प्रतिशत हैं, तो 20 mm से जितने भी सारे बड़े कण हैं तो ये हो गए, तो ये 45 थे ही, ठीक है ना, 20 + 25 + 10 = 55%। फिर इसी तरीके से 10 mm से जितने भी सारे बड़े कण हैं वो कितने प्रतिशत हैं, तो ये 55 है और ये 30 जोड़ देंगे, चाहे यहां से ये 30 का है तो यहां से ये सारे जोड़ दो तो 85% आ जाएगा, है ना। और 4.75 mm से कितने जो है बड़े कणों का प्रतिशत है, तो सारे के सारे अगर आप जोड़ोगे तो 100%, ठीक है, तो ये निकल गया, ठीक है। तो 80 mm से बड़े कण जो है 20% है, ठीक है ना। तो अब हम लास्ट में निकालते हैं फाइनल परसेंटेज, ठीक है, क्या निकालते हैं, फाइनल परसेंटेज, ठीक है, बाई वेट। देखो ये वेट के ही रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं, है ना। अगर हमने यहाँ पे रिटेन परसेंटेज निकाला है, ठीक है, रिटेन परसेंटेज वेट, तो टोटल वेट की तुलना में हमने सॉइल सैंपल जो है 100 ग्राम लिया था, ठीक है, और उसपे जो सॉइल बचा हुआ था वो 200 ग्राम था, तो टोटल वेट की तुलना में जो है वो कितना ग्राम, ठीक है, वो तो 20% था। हमने ये वेट के आधार पे निकाला है, ठीक है, आयतन के आधार पे नहीं निकाला है, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो क्यूमुलेटिव परसेंटेज हमने निकाल लिया ये सारा का सारा, है ना। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे फाइनल परसेंटेज। तो देखो फाइनल परसेंटेज क्या है, अगर आपको पता है कि 80 mm से जो बड़े कण है वो 20% है, तो 80 mm से जो छोटे कण हैं वो कितने प्रतिशत हैं, तो आप 100 में से 20 घटाओगे तभी तो कानून चलेगा। देखो 80 mm से जितने भी सारे बड़े कण हैं वो 20% है, और तो इससे छोटे कण कितने हैं, तो 80% होंगे, है ना। तो 100 - 20 करेंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 80%। इसी तरीके से अगर 40 mm का फाइनल परसेंटेज निकालेंगे तो वो कितना होगा, तो देखो यहाँ पे 55% होगा, ठीक है ना। तो 40 mm से
40 mm का फाइनल परसेंटेज मतलब कि 40 mm से जितने भी सारे छोटे कण हैं वो कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे देखो 40 mm से जितने भी सारे बड़े कण हैं वो कितने प्रतिशत हैं, तो 45% है। ये चीज समझ में आ रहा है। अब 40 mm से बड़े कणों का प्रतिशत 45% है, तो हम 100 में से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 40 mm से छोटे कणों का प्रतिशत मिल जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से सबका जो है हमने फाइनल परसेंटेज ज्ञात कर लिया है। और लास्ट में जो है 4.75 का फाइनल परसेंटेज क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि 4.75 से जो छोटे कण है वो है ही नहीं, ठीक है ना। जो मिनिमम साइज है वो 4.75 mm तक के ही कण है, उससे छोटे कण नहीं है, इसीलिए इनका फाइनल परसेंटेज क्या है, जीरो। या ऐसे ज्ञात करोगे इनका फाइनल परसेंटेज तो 100 में से 100 घटाओगे तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो इतना चीज जो है हमें समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखो हमें एनालिसिस करने के लिए दो चीजें चाहिए। पहला क्या चाहिए, पहला चाहिए फाइनल परसेंटेज चाहिए, और दूसरा चाहिए कि जो कण है उनकी साइज कितनी है, ठीक है। तो हम चाहे कोई सा भी एनालिसिस करेंगे, पीपीएल मेथड पढ़ेंगे या से हाइड्रोमीटर मेथड पढ़ेंगे, कोर्स सीव एनालिसिस या फाइन सीव एनालिसिस कुछ भी हम करेंगे, तो हमें फाइनल परसेंटेज चाहिए और दूसरा चाहिए कि जो कणों की साइज है वो चाहिए। हमें दो चीजें चाहिए, इसके आधार पे हम सारा का सारा जो है एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पे फाइनल परसेंटेज जो है मिल गया, ठीक है ना, और हमें कणों की साइज चाहिए थी तो हमने सीविंग कर दिया, तो इससे हमें क्या मिल गया, कणों की साइज मिल गई, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान से सुनना। अब फाइनल परसेंटेज और जो कणों की साइज है उसके बीच में हम लोग एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। एक हम लोग ग्राफ बनाएंगे इसी के आधार पे। तो देखो वाई एक्सिस पे हमने फाइनल परसेंटेज को लिखा है और एक्स एक्सिस पे जो है यहाँ पे साइज को लिखा है, कणों की साइज को, ठीक है। तो जो कणों की साइज है वो लॉग स्केल पे है और ये जो है फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन कहने का मतलब कि ये नॉर्मल है, जैसे हम लोग लिखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैसे है ये वाला, ठीक है ना। और ये जो है लॉग पे लिखा गया है, log 1, log 2, log 3 ऐसे करके ये जो है लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो हम लोग लॉग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जो लॉग है तो लॉग का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। लॉग क्या करता है ना कि अगर बड़ी रेंज है, किसी भी संख्या की बड़ा रेंज है ना, तो लॉग के इस्तेमाल करने से उसको वो कंप्रेस करके छोटे रेंज में कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग लॉग स्केल का जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जो सॉइल हम लोग जिस सॉइल की हम लोग एनालिसिस करेंगे तो उसमें जितने भी सारे कण होंगे, अब देखो यहाँ 4.75 mm से लेके 80 mm तक के सारे कण है। तो अगर यहाँ पे ऐसे एक्स एक्सिस पे अगर 1-1 mm के अंतराल पे भी प्लॉट करोगे तो ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसको छोटा करने के लिए, आसानी के लिए हम लोग इसको जो है लॉग स्केल पे रखे हैं, और ये क्या होगा कि ये छोटा हो जाएगा और पढ़ने में हमें आसानी होगी, ठीक। अब देखो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है उसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो जो 4.75 mm जो साइज है कणों की, तो उसका फाइनल परसेंटेज कितना है, जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। देखो लॉग स्केल पे साइज को देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, पहले 0.1 mm, 0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, फिर इसके बाद से 0.8 mm, और इसके बाद से क्या आएगा, 1 mm आएगा, है ना। फिर 1 के बाद क्या लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, और 8 के बाद क्या आएगा, 10। अब फिर 10 के बाद क्या लिखेंगे, 10, 20, 40, 60, 80, 80 के बाद क्या आएगा, 100। तो 100 के बाद क्या लिखेंगे,
100, 200, 400, 600, 800, 1000। फिर 1000 के बाद क्या लिखेंगे, 1000, 2000, 4000, 6000, 10000। 10000 के बाद लिखेंगे 10000, 20000, 30000। ऐसे जो है ये लॉग स्केल में हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। तो देखो 4.75 mm से जो फाइनल परसेंटेज है उसका वो जीरो है, तो वो कहाँ पे हो जाएगा, तो इसको हम इस पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखो साइज है 4 mm और यहाँ पे है 6 mm, तो यहाँ पे कहीं जो है 4.75 mm आ जाएगी साइज, ठीक है। और इसका फाइनल परसेंटेज कितना होगा, जीरो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जीरो है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कट करेगा तो एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक। अब 10 mm के लिए हम करेंगे, तो 10 mm का फाइनल परसेंटेज कितना है, 15% है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, ये 10% है और ये 20% है, तो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। और साइज कितनी है, 10 mm है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्या है, 10 mm, ठीक है। तो ये जो 15% है फाइनल परसेंटेज, तो ये 10 mm और 20 mm के बीच में जितने भी सारे कण होंगे उनका है ये फाइनल परसेंटेज, ठीक है ना, समझ रहे हो आप। अब यहां से तो हमें पता चल गया कि यहां से 20 mm से छोटे कण हैं और 10 mm पे आकर रुक गए हैं, तो आपको पता चल गई कि यहाँ पे जो कण जो है आके रुके हुए हैं ये 10 mm से बड़े हैं और 20 mm से छोटे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो साइज होगी कणों की, तो वो हम 10 और 20 के बीच में जो है करेंगे कहीं पे, और यहाँ पे 15। तो अब इसको ऐसे ऐसे करके और ये ऐसे ऐसे जहां पे कट करेगा वो जो है क्या हो जाएगा, हमारा ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, समझ रहे हो। फिर इसी तरीके से ये कितना है, 45% है, तो ये कितने के बीच में है, 40 mm से छोटे हैं और 20 mm से बड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 20 mm है और ये कितना है, 40 mm है, ठीक है ना। तो 40 और 20 के बीच में कहीं पे, और यहाँ पे कितना, 45 mm। भाई देखना ये हॉरिजॉन्टल ही तो है, तो मान लो यहाँ पे जो है कहीं कट रहा है, ठीक है, तो ये एक और पॉइंट मिलेगा, ठीक है। फिर अगला जो है 40 और 80 के बीच में है और वो कितना है, 55 है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 60 है, तो इनके बीच में कहीं पे, और यहाँ पे 40 और 80 के बीच में कहीं पे, ठीक है ना। तो ये ऐसे, तो यहाँ पे कट गया, तो एक पॉइंट जो है ये मिला, ठीक। फिर इसी तरीके से 80 mm से बड़े, तो 80 mm ये हो गया और इससे बड़े कण जो है कितने हैं, 80% फाइनल परसेंटेज, तो यहाँ पे 80%, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जितने भी सारे पॉइंट हैं इनको जो है क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके कहीं ऐसे जो है मिल गया, ठीक है। तो ये जो हमें लाइन मिली है, ये जो लाइन मिली है हमें, इसी के आधार पे हम उस सॉइल की बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है उसको हम बता सकते हैं, ठीक है ना। इस लाइन के आधार पे हम बता सकते हैं ये सॉइल जो है किस प्रकार की है, ठीक है। तो उसको हम बताएंगे आगे, ठीक है, हम जब सारे मेथड पढ़ लेंगे तो इसके बाद से हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो लाइन मिली है इसी को कहते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, PSD या GSD कर्व, ठीक है। PSD कहने का मतलब है, आप लोग लिख लेना, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक। तो ये चीज जो है आप लोग अपने से लिख लेना, ठीक है। अब देखो कुछ और चीजों को, ये तो हमने समझ लिया कि कैसे जो है उसका मतलब एनालिसिस करेंगे, कैसे सीडिंग करेंगे और कैसे जो है ग्राफ को बनाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे कुछ और चीजें देखते हैं, अभी जो है आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा या आगे कंफ्यूजन होगा,
तो उसको दूर करते हैं, इसे मैं मिटा के यहाँ पे जो है लिखता हूँ, ठीक है।